बच्चे तो ब्लैकमेलिंग पर भी उतर आते हैं कि अगर उनको मोबाइल फ़ोन नहीं देंगे तो वो रोना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आजकल बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और कोरोना की वजह से हम देखते हैं कि उसकी वजह से भी ऑनलाइन क्लासेस थी और ऑलरेडी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों का बढ़ चुका था। तो हम इसलिए और इस हवाले से भी बहुत दफ़ा बात कर चुके अपने प्रोग्राम में, लेकिन एक नई तहकीक में ये बात सामने आई है कि अगर छोटे बच्चे डेली 2 घंटे स्क्रीन का टाइम या स्क्रीन यूज़ करते हैं तो उनमें ऑटिज़म की बीमारी के चांसेस कई गुना बढ़ सकते हैं। और ऑटिज़म एक पेचीदा बीमारी भी है जो आमतौर पर बचपन में ज़ाहिर होती है और ये एक इंसान की माशरती ज़िंदगी, ताल्लुकात और इज़हार ख़याल की अहलियत को मुतासर करके उस पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से असरअंदाज होती है। तो ऑटिज़म से मुतासर शख्स में ऐसे रवैये पाए जाते हैं जो माशरती लिहाज से काबिल कबूल नहीं होते हैं। तो स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक है और ऑटिज़म की बीमारी कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिदा खालिद साहिबा, हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। रिदा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रिदा, जैसे अभी मैं एक न्यू रिसर्च के बारे में बात कर रही थी कि बच्चा या तो 3 साल का हो या उससे छोटा बच्चा हो तो उसका ज़्यादा स्क्रीन टाइम उसको ऑटिज़म का शिकार बना सकता है। तो ये मुझे बताइए कितनी ख़तरे की बड़ी घंटी है हमारे लिए कि हमारे बच्चे जो हैं इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं या उनकी ज़हनी या जिस्मानी नशोनुमा किस तरह मुतासर हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ओवर द टाइम और कुछ पास्ट अरसे से स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। और जितना स्टैटिक मीडियम का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, बाय स्टैटिक मीडियम आई मीन्स टीवी, मोबाइल और टैब तीनों, जितना एक्सपोजर ज़्यादा होता है उतना ही बच्चा ए सोशल बिहेवियर एक्ट करता है। उसकी जो अर्ली रेडीनेस स्किल्स होती हैं जिसमें हम 4-5 चीज़ें देखते हैं छोटे बच्चों में, जैसे आई कॉन्टेक्ट है, इमिटेशन है, रिस्पॉन्स टू नेम है, पॉइंटिंग है जो ऑन डिमांड करते हैं, लेट्स से जी फैन को पॉइंट करो, वेयर इज़ फैन, तो ये चीज़ें पीछे जाना शुरू हो जाती है, यानी उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन एज अप्रोप्रिएट नहीं होता। अच्छा, ठीक है। और फिर लेटर ऑन जब स्पीच डेवलपमेंट की बात आती है, जब स्पीच डेवलप होना शुरू होती है तो वो क्योंकि उनका एक्सपोजर कार्टून्स और स्टैटिक मीडियम से होता है तो वो जिब्रिश लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं, वही कार्टूनिश लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर उनकी कॉग्निटिव स्किल्स, उनकी सोशल स्किल्स एज अप्रोप्रिएट नहीं होती। अच्छा, जिसकी वजह से वो लैग करते हैं एंड देन यू नो दे नीड थेरेपी एंड हेल्प फॉर दैट। मतलब ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, डेंजरस हो सकता है हमारे बच्चों के लिए। तो फिर मुझे बताइए रिदा कि आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है कि मतलब अगर बच्चा अपनी ग्रोइंग एज में है, अगर उसको हमने टैबलेट या कोई फ़ोन देना भी है तो कितनी देर के लिए देना चाहिए, मतलब उसका स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, देन उसको जो अपने खिलौनों के साथ वो कंस्ट्रक्टिव खिलौनों के साथ खेलता है उसको वो कितनी देर खेलना चाहिए, देन उसको जो रियलिटी जो आसपास उसकी चीज़ें हो रही होती हैं वो कितनी देर होनी चाहिए, किस तरह बैलेंस करना चाहिए लाइफ में। देखिए, अर्ली 5 ईयर्स तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें जो स्टैटिक मीडियम है वो डेली बेसिस पे 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रही बात जो आपके हैं ये क्रिएटिव टॉयज़ और वो उन चीज़ों की होती है जिसमें एजुकेशनल टॉयज़ आते हैं, उनका एक्सपोजर उसको डेली बेसिस पे 45 मिनट्स to 1 आवर के लिए मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और फिर अक्सर बच्चे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखते हैं ना, इन्वायरमेंट से सीखते हैं, क्यूज होते हैं, हम बच्चे अडॉप्ट करते हैं कि पेरेंट्स किन पर्टिकुलर सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने कैसे रिएक्ट करने दे अडॉप्ट दैट, और फिर वो उसी चीज़ को इमिटेट करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं। तो वो डे टू डे लिविंग में होती रहती है। अगर बच्चा सोशल है, वो इन्वायरमेंट के क्यूज़ को पिक कर रहा है, उसका स्क्रीन मीडियम कम है, तो डेफिनेटली वो थ्रू ऑब्जर्वेशन और वो अपने एडल्ट्स को इमिटेट करके वो चीज़ें लर्न करता रहता है। फिर जब फिज़िकल एग्जर्शन की बात आती है तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप डेली बेसिस पे यू स्टार्ट विद 10 to 15 मिनट्स अगर बिल्कुल फिज़िकल एग्जर्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है। और फिर ग्रेजुअली up to 1 hour इन अ डे डेली बेसिस पे होनी चाहिए। लेकिन जैसे रिदा अभी बात कर रही हैं कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं कि इर्द गिर्द उनके क्या हो रहा है, कि उन्होंने किस तरह अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना है, बैलेंस किस तरह उसको करना है। दूसरा ये कि हमने अगर किसी महफिल में बैठना है तो किसी से कैसे बात करनी है, ठीक है, हमने घर में किस तरह बिहेव करना है। तो जो ऑटिज़म का शिकार होते हैं या फिर जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ कर रहे होते हैं वो तो अपने अंदर ही रह रहे होते हैं, उनकी जो दुनिया है वो सिर्फ अपने साथ ही होती है या स्क्रीन के साथ होती है, तो इसका मतलब वो बाकी सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो रहे होते हैं और वो कह लें कि कामयाबी से भी दूर हो रहे होते हैं वो लोग।
डेफिनेटली वो डिस्कनेक्ट हो रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी ही एक फैंटेसी लाइफ में रह रहे होते हैं। अगर वो मोबाइल में है तो वो उसमें 100% इन्वॉल्व है, और अगर वो मोबाइल के अलावा हैं तो वही जो चीज़ इमेजिनेशन में उनकी कार्टून्स या जो करेक्टर्स चल रहे होते हैं वो उसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रह रहे होते हैं, तो डेफिनेटली इनकी सोशलाइजेशन अफेक्ट हो रही होती है, उनको सोशल इंटरेक्शन करना नहीं आता, उनकी कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शंस वो लैक कर रही होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू गेट इंगेज, उनकी जो सोशल इंटरेक्शन है, अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, पीयर प्ले है, खेलना है, वो चीज़ लैक कर रही होती है। तो डेफिनेटली फिर इसमें दे नीड हेल्प, और उनकी सोशलाइजेशन एज अप्रोप्रिएट होने, और ऑटिज्म का जो बेसिक अगर हम बात करें ना, दो तीन चीज़ें इसमें बेसिक होती हैं। अच्छा। एक तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ सोशलाइजेशन इसमें की रोल है, और उसका आजकल जो बेसिक एलिमेंट जो चीज़ इस चीज़ को स्ट्रेंथन कर रही है, और जिसकी वजह से ऑटिज्म की प्रिवेलेंस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्टैटिक मीडियम ही है। उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, मतलब अब पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में कितनी रेशो बढ़ गई है। अब पहले भी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब आजकल ना अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है उतना ज़्यादा, कुछ चीज़ें ये जेनेटिक बेस्ड भी होती हैं, अगर फैमिली में ये चीज़ रन कर रही है तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके अगले आने वाले ऑफस्प्रिंग्स में वो चीज़ हो सकती है। लेकिन ठीक है, और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि उसमें अगर एक बच्चे नेचुरली तौर पे थोड़ा सा ए सोशल बिहेवियर है, उसका स्पीच डिले है, वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर है, ठीक है। उसका जैसे यू नो इट कैन बी डिटेक्टेड एज अर्ली एज 1 ईयर ऑफ द एज, ठीक है। मतलब क्या सिस्टम क्या सिम्टम्स होंगे उसके जो हमें पता चल जाए। आई कॉन्टेक्ट एज अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अक्सर बच्चे जैसे कहते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं पहले तो बिल्कुल ठीक था, 1 ईयर तक इसकी डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक थी, ये रिस्पांस देता था चीज़ों को, ये बात करता था, कम्युनिकेट करता था, अपनी डिमांड्स बताता था, लेकिन एकदम से डिटेरेशन आना शुरू हो गई है, तो एकदम से वो डिटेरेट करना शुरू मतलब हो जाता है। इस तरह भी हो सकता है कि पहले वो ठीक हो और बाद में इस वो तरह ही नॉर्मली होता है 1 ईयर के बाद। जैसे बच्चे अक्सर जैसे हम कहते हैं ना रैटल्स को रिस्पांस देना छोड़ देते हैं, आप क्लैप करोगे उसको रिस्पांस देना छोड़ देते हैं, आप सिंपल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कम हेयर सिट डाउन ओपन द डोर क्लोज द डोर, वो उसको रिस्पांस देना छोड़ देते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है मोबाइल और टीवी का, अपनी फेवरेट राइम पे रिस्पांस दे देंगे, ठीक है, उनका फेवरेट कोई टीवी पे ऐड लगेगा तो उस पे फौरन से भागे जाएंगे। अक्सर पेरेंट्स ये रिपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका एक सरकारी रिदम होता है ना, एक अलार्म सेट होता है कि ओके इन अपनी डिजायरेबल्स पे यू नो देयर रिस्पांस, लेकिन ऑन डिमांड नहीं, तो ये चीज लैक कर रही होती है। लेकिन कौन से एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो ज्यादा इसका शिकार हो सकते हैं? आई हैव सीन किड्स एज अर्ली एज 1.5 साल 2 साल से ऑनवर्ड। अच्छा, ये वाले ज़्यादा कह लें कि अलार्मिंग सिचुएशन, जितना जल्दी 3 ईयर्स से पहले जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाता है और बच्चा थेरेपी में आ जाता है उतना जल्दी चांसेस होती हैं टू कोप, और उतनी जल्दी उसकी थेरेपी मतलब वो डेवलप हो जाती है, जितनी भी चीज़ें लैक कर रही होती हैं, स्किल्स जो लैक कर रही होती हैं। लेकिन जितना लेट होता है, क्योंकि अर्ली 5 ईयर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं स्पीच डेवलपमेंट में भी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी, सोशल डेवलपमेंट में भी, ठीक है, तो जितना जल्दी डिटेक्ट हो जाए थेरेपी में आ जाए उतना जल्दी। तो अगर लेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? उसके बाद ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं होगी, प्रोग्रेस होती है, लेकिन देखिए हर बच्चा डिफरेंट होता है। ऑटिज्म में भी माइल्ड मॉडरेट सिवियर कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो अगर 2 माइल्ड बच्चे हैं तो उसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, उसके सिम्टम्स डिफरेंट वेरी टू पर्सन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो ये चीज़ें करती हैं डिपेंड करती हैं। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से खासतौर पर टीवी या स्क्रीन टाइम की वजह से अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बच्चों के अंदर। जैसे मैं अभी बता रही थी कि अगर उनसे उनको मना किया जाता है कि इतना टीवी ना देखो या स्क्रीन टाइम यूज़ ना करो, तो वो रोना धोना शुरू कर देते हैं, अग्रेशन, चीज़ें फेंकना इधर उधर, तो ये चीज़ें भी उनके नफ्सियाती तौर पर उनको कर रही होती है मुतासर। एग्रेशन ऑटिज्म के बच्चों को अगर स्क्रीन टाइम की आदत है तो उनमें भी बिल्ड होगा। इन जनरल अगर कोई बच्चा नॉर्मल है और उसको भी स्क्रीन टाइम की आदत है, तो अगर आप उसका स्क्रीन टाइम एकदम से टेपर ऑफ करेंगे तो एग्रेशन नेचुरली उसमें भी डेवलप होगा, क्योंकि आजकल जो हम
बच्चों को एक्सपोजर है ना कार्टून्स, हाँ, आप जितने भी देखो जितने भी वो कार्टून्स देखते हैं उसमें मार धाड़ ज़्यादा है, ठीक exactly. है, वो हाइपर एक्टिविटी को और इम्पल्सिव बिहेवियर को ज़्यादा उसको प्रिवेल करते हैं बजाय इसके कि उसमें कामनेस हो, या इस तरह के कार्टून्स हैं जो जो बच्चा बड़ा लेजी है एंड ही डजेंट वांट टू गो टू स्कूल, ही डजेंट वांट टू वर्क, और इस तरह की चीज़ें वो प्रमोट कर रहे हैं, तो वो बच्चे वही चीज़ इमिटेट करते हैं इन देयर रियल लाइफ जो चीज़ वो ऑब्जर्व करते हैं. और उसके बाद हम देखते हैं कि गुस्सा अग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है बच्चों के अंदर, मतलब छोटे बच्चे हैं लेकिन वो ओबीज है. ऑफ कोर्स क्योंकि वो खाएंगे, उनकी कोई फिजिकल एग्जर्शन ही नहीं है, तो फिजिकल एग्जर्शन ही होगी तो डेफिनेटली ओबीज भी होंगे और उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होगी.